दोस्तों, अगर आपको मिलने लगे यह संकेत तो समझ जाना कि भगवान शनिदेव आपसे हैं प्रसन्न और आपके ऊपर हैं बहुत मेहरबान। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कौन कौन से संकेत हैं जिन्हें जानकर आप पता लगा सकते हैं कि भगवान शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको उन्हीं कुछ संकेतों के बारे में विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें। सबसे पहले भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव भी अवश्य लिख दें, जिससे भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। और साथ साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, शनि महाराज न्याय के देवता होते हैं, इसलिए शनि के प्रिय लोग खुद ही सही रास्ते पर चलते हैं और दूसरों को भी सही रास्ते पर चलने की सलाह देते हैं। जनमानस में अक्सर शनि की वक्र दृष्टि, शनि के प्रकोप, शनि के दंड आदि की चर्चा होती है, लेकिन शनि हमेशा दंड नहीं देते हैं। उनकी मेहरबानी व्यक्ति को मालामाल बना देती है और अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। लाल किताब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देव कब और कैसे प्रसन्न होते हैं, इसके कई कारण हैं। पहला यह है कि कुंडली में शनि की स्थिति बताती है कि शनि देव आप पर प्रसन्न हैं, और दूसरा यह है कि आपके कर्म और आपका जीवन बताता है कि शनि देव आप पर प्रसन्न हैं या नहीं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन संकेतों के बारे में कि भगवान शनिदेव आप पर प्रसन्न हैं। जहां दोस्तों, अगर आपको अचानक ही धन की प्राप्ति होने लगे और समाज में आपको मान सम्मान मिलने लगे, तो समझ जाइए कि भगवान शनिदेव की आप पर कृपा है और कुंडली में भी शनि की शुभ स्थिति है। चमड़े, लोहे, तेल, लकड़ी, खदान संबंधी व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ माना जाता है कि अगर आपके घर के बाहर या पश्चिम दिशा में शमी का वृक्ष लगा है तो शनिदेव की आप पर साक्षात कृपा बनी रहेगी। इसके अलावा यदि दक्षिण दिशा में नीम का वृक्ष है तो भगवान बजरंगबली की कृपा से आपको कभी भी शनि का कष्ट नहीं होगा। साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार की सुबह अगर कोई निर्धन व्यक्ति या भिखारी आपके दरवाजे पर आता है, और या फिर अगर सड़क पर चलते वक्त आपको कोई भिखारी दिखाई देता है, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। शनिवार के दिन ऐसे निर्धन व्यक्ति को दान देकर उसकी मदद आप अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे और आपके भाग्य को बेहतर बनाएंगे। लेकिन शनिवार के दिन भूलकर भी किसी गरीब या भिखारी का निरादर ना करें, वरना शनि के प्रकोप का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर शनिवार की सुबह आपको सड़क पर सफाई कर्मी झाड़ू लगाते हुए नजर आ जाए, तो इसे भी शुभ संकेत के तौर पर देखा जाता है। इस दौरान सफाई कर्मी को कुछ रुपए या काले रंग का कपड़ा आप जरूर दें। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा आप पर बरसती है और आप जिस भी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो उसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलती है। इसके अलावा आपके सभी कार्य भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर शनिवार को काला कुत्ता दिख जाए तो परेशान होने की बजाय खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि यह किसी परेशानी का नहीं बल्कि शुभ और मंगलकारी संकेत है। कुत्ता शनिदेव का वाहन है और शनिवार को अगर आपको काला कुत्ता दिख जाए तो उसे तेल या घी, लगी हुई रोटी या फिर बिस्किट आदि जरूर खिलाएं। इससे न केवल शनिदेव बल्कि राहु केतु भी प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ अगर शनिदेव आप पर प्रसन्न हैं या शनि का अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है तो बाल और नखून मजबूत रहते हैं। वक्त के पहले आंखें कमजोर नहीं होती हैं, हड्डी और नसें मजबूत होंगी, फेफड़े अन्य को अपेक्षा ज्यादा मजबूत होंगे। और साथ ही साथ अगर शनिवार को आपके जूते या चप्पल चोरी हो जाते हैं तो मान लीजिए कि यह शनिदेव की शुभता का संकेत है। भगवान शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपके ऊपर मेहरबान हैं। और साथ ही साथ अगर शनिदेव आपसे प्रसन्न हैं
तो ऐसे जातक हर क्षेत्र में प्रगति करता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा और कष्ट नहीं होता है, उसके हर कार्य आसानी से होते चले जाते हैं, उसके जीवन में स्थायित्व आ जाता है, प्रॉपर्टी के मामले स्वतः ही सुलझ जाते हैं, व्यक्ति हर तरह की दुर्घटना से भी बच जाता है। साथ ही साथ अगर आप न्याय प्रिय हैं तो आपको हमेशा सच बोलने वाले व्यक्ति पसंद हैं, तो निश्चित ही आप पर भगवान शनिदेव की कृपा सदैव रहेगी। यदि आप पर भगवान शनिदेव की कृपा है तो आप अनावश्यक चिंता और घबराहट से दूर रहेंगे, आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा, आप खुलकर अपने जीवन का लुफ्त उठाएंगे। साथ ही साथ अगर आप नियमित हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और उन्हीं की भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से आप पर भगवान शनिदेव भी प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि भगवान शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दूंगा। इसलिए आप नियमित हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, जिससे भगवान शनिदेव की सदैव आपके ऊपर कृपा रहे। साथ ही साथ अगर आप शराब नहीं पीते, ब्याज का धंधा नहीं करते, झूठी गवाही नहीं देते, गृह कलह नहीं करते और प्राय स्त्री पर नजर नहीं रखते तो यह मान ले कि भगवान शनिदेव की आप पर विशेष कृपा है। दोस्तों साथ ही साथ अगर आप पर चाचा चाची, माता पिता, मामा मामी, सेवक, सफाई कर्मी, अपंग लोग, कमजोर और अंधे लोग प्रसन्न हैं, तो समझना कि भगवान शनिदेव आप पर बहुत प्रसन्न हैं। ऐसे लोगों को मजदूर, कमजोर और गरीब लोगों का बहुत साथ मिलता है और भगवान शनिदेव ऐसे लोगों से बहुत प्रसन्न रहते हैं। साथ ही साथ कुंडली से जाने भगवान शनिदेव की प्रसन्नता के ये संकेत। जय दोस्तों, शनि ग्रह मकर और कुंभ का स्वामी होता है, तुला में उच्च का और मेष में नीच का माना गया है, ग्यारहवा भाव उसका पक्का घर है। लाल किताब के अनुसार यदि शनि सातवें भाव में है तो यह शुभ माना गया है, अर्थात मकर, कुंभ और तुला का शनि अच्छा है और सातवें एवं ग्यारहवें भाव का शनि भी अच्छा है। और साथ ही साथ शनि ग्रह के कारण बनने वाले सस योग हैं। यदि आपके कुंडली में शनि लग्न से अथवा चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित है, अर्थात शनि यदि कुंडली में लग्न अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में तुला, मकर अथवा कुंभ राशि में स्थित है तो यह सस योग बनता है। ऐसा जातक न्याय प्रिय, लंबी आयु और कूटनीति का धनी होता है, यह परिश्रम से अर्जित सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इसलिए ऐसा जातक निरंतर तथा दीर्घ समय तक प्रयास करते रहने की क्षमता रखते हैं, यह किसी भी क्षेत्र में हार नहीं मानते हैं, इनमें छिपे हुए रहस्यों का भेद जान लेने की क्षमता अद्भुत होती है, यह किसी भी क्षेत्र में सफल होने की क्षमता रखते हैं, सहनशीलता इनका विशेष गुण है, लेकिन अपने शत्रु को यह किसी भी हालत में छोड़ते नहीं है। जय दोस्तों, ये थे वे कुछ संकेत, अगर आपको मिल जाए तो समझ जाना कि भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न है और आपके ऊपर मेहरबान है और भगवान शनिदेव की आपके ऊपर विशेष कृपा बन रही है। जय दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।